हम इंसानों की मैक्सिमम बाइट फोर्स यानी किसी भी चीज को अपने जबड़ों से दबाने की पावर होती है 200 PSI यानी 200 पाउंड पर स्क्वायर इंच। यूं समझ लीजिए कि एक स्क्वायर इंच जगह पर 200 पाउंड का फोर्स लगना। वहीं एक मगरमच्छ अपने जबड़ों से 3700 PSI का फोर्स लगा सकता है। तभी तो कभी कभी ये अपनों से बड़े हिरणों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यूं समझ लीजिए कि इनके जबड़ों में हड्डियों का चूरमा सेकंड्स में। अब क्या करें भैया, नेचर ने उन्हें बनाया ही ऐसा है। पर एक मगरमच्छ है जिसे नेचर ने बड़ा ही शांत और दूजे किस्म का बनाया है, और ये है हमारे वेजिटेरियन क्रोकोडाइल। अनंतपुरा लेक टेम्पल केरला। यहाँ रहने वाले मगरमच्छ बबिया को नॉनवेज का शौक ही नहीं है, वो सिर्फ खाता है इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद। कमाल की बात है। और तो और वो जिस तालाब में रहता है उसमें रहने वाली मछलियों को कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ मामा को फिश पसंद ही नहीं है। वाह, बड़ा ही सात्विक है ये क्रोकोडाइल। बबिया जी के खाने का टाइम भी फिक्स्ड है। दोपहर की पूजा के बाद उसे चावल और गुड़ का बना प्रसाद खिलाया जाता है, जो सीधे बबिया जी के मुंह में डाला जाता है। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, वो जिस माहौल में जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं खुद को उस हिसाब से ढाल ही लेते हैं। अपने हैबिटेट के हिसाब से बबिया ने नेचर के अगेंस्ट अपनी फूड हैबिट बदल दी है। अब भाई इसे तो कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे। कहा जाता है कि पिछले 150 सालों से इस तालाब में मगरमच्छ दिख रहे हैं, पर एक बार में सिर्फ एक ही मगरमच्छ दिखता है। अगर कोई मगरमच्छ मरता है तो दूसरा अपने आप आ जाता है। ये कहां से आते हैं किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आसपास कोई नदी भी नहीं है और ना ही कोई झील। पिछले 60 सालों से यहाँ बबिया का ही राज है। अमेजिंग इंडिया में ना सिर्फ अमेजिंग लोग रहते हैं, बल्कि यहाँ के जानवरों की भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। जब मगरमच्छ जैसी प्योर नॉन वेजिटेरियन स्पीशीज प्रसाद के अलावा और कुछ ना खाए तो उसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भैया ये कुदरत का करिश्मा है।